देखिए कितनी टेंडर है। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ईद की दावत के लिए 40 तक्के बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो सबसे पहले हम इसका मसाला बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़ा बर्तन लिया, इसमें हम डाल देंगे अराउंड 2.5 कप दही। थोड़ा गाढ़ा वाला है लेकिन एकदम क्या कहते हैं पानी निकाला नहीं है, थोड़ा थोड़ा है इसमें, बहुत रनी हो तो पानी निकाल लें। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3/4 कप लेमन जूस, यानी 1 कप में 4 टेबलस्पून कम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको मिलाएंगे और अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के कश्मीरी चिली पाउडर, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टेबलस्पून नमक। और यहाँ हमारे पास फूड कलर है जो कि रेड एंड ऑरेंज दोनों लिया है, दोनों है 1/2 टीस्पून। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी और इनको अच्छे से मिलाएंगे। आहा क्या खतरनाक खुशबूएं आ रही हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 कप तेल। देखिए कैसा खतरनाक सा मसाला लग रहा है, वो भी बिना मेहनत के 2 मिनट में। अब बाइंडिंग के लिए इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। तो मैं डाल रही हूँ गेहूं का आटा, इससे एक अच्छी सी बाइंडिंग आएगी, ख़ासतौर से जब क्वांटिटी में बना रहे हो ना, जब इस तरह की चीज़ हो तो बहुत सही रहेगी। चलें अब एक बर्तन ले लेते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और इसको चिकन को मैरिनेट करते हैं। यहाँ हमारे पास चिकन है जो कि 5 चिकन है, जिसके मैंने 1 चिकन के 8 पीस करवाए हैं। जब दावत बड़ी हो ना, सिर्फ टिक्का कबाब हो ना, तब 4 पीस करवाते हैं चिकन के, लेकिन अगर वैरायटी ज़्यादा हो तब 8 तो करें, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 8 तो होना ज़रूरी है क्योंकि वरना फिर जाया जाएगा, कोई खा तो सकेगा नहीं। तो ब्रेस्ट के भी 4 पीस करवाए हैं, लेग के भी 4 पीस करवाए हैं। चिकन में ये जो कट लगाए हुए इसमें भी डाल देते हैं मसाला अच्छे से। देखिए कितनी खुश है कि मैं तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दूंगी भाई, मुझे इतना अच्छा मैरिनेट कर रहे हैं। देखें सब गैशेस जो भी है ना सब में डालें। अगर इसको आप रूखा रखेंगे तो ये रूखा रिज़ल्ट देगी, अगर आप इसको मोहब्बत से भरेंगे तो वो अच्छा रिज़ल्ट देगी, जूसी जूसी। तो इस तरह से करके रखते जाएंगे यहाँ। टिक्के को वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में डाल के कम्प्लीटली उसका पानी आपको ड्राई कर लेना है, अदरवाइज़ ये मसाला जो लग रहा है ना वो लगेगा नहीं अगर पानी वाला हुआ तो, और जायका भी नहीं आएगा। मैं तो आमतौर पर ऐसा करती हूँ कि भाई रात को धो के और फिर उसके बाद उसको स्ट्रेनर में रखती हूँ और नीचे एक बर्तन रख देती हूँ, ताकि सुबह तक जितना भी पानी जो है वो ड्राई होना हो जाए, और बस इसी तरह बड़े से बर्तन के साथ फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह जो है फिर मसाला लगाती हूँ। अगर आपको मैरिनेट करके रख देना है ना अगले दिन से या फिर बहुत दिनों पहले से, तब आपको ज़रूरत नहीं है पपीता डालने की। अगर आपको जैसे 1-2 घंटे में बनाना है तो आपको पपीता डालना ज़रूरी है,
ताकि अच्छे से वो टेंडर हो जाए। चूँकि मैं ये एडवांस में कर रही हूँ इसलिए इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये देखें मसाला बिल्कुल बराबर हुआ, हमारा लास्ट पीस हो रहा है ये। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको फ्रीज़ किस तरह किया जा सकता है, और ये भी बताऊंगी फिर इसको बनाया किस तरह जा सकता है अभी अगर बनाना हो तो, सब बताऊंगी। एक तो सिंपल वे ये है कि आप इसको 2-3 कंटेनर में रख दें, और जो मेरा वे है वो इस तरह से है कि मैं ज़िपलॉक बैग लेती हूँ, ईच बैग में मैं डालूंगी 8 पीसेस। और यहाँ रखती जाऊंगी। देखिए कितना बड़ा काम जो है वो कितने एडवांस में ये हो सकता है। लास्ट मिनट पे कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ कुक करना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी अभी ही कैसे ये कुक करेंगे। तो एक बैग जो है इस वक्त मैं निकाल लेती हूँ और ये हम कुक करेंगे, और बाकी जो है वो फ्रीज करते हैं। तो चले मिलते हैं 2-3 घंटे में, जब तक के ये अच्छे से मैरिनेट ना हो जाए। देखिए ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास हो गए हैं। यहाँ हमने एक पैन रखा हुआ है, इसको प्री हीट कर लिया है, फ्लेम हमारी मीडियम हाई है। तो इसमें अब हम डालेंगे अराउंड 3 टेबलस्पून के आसपास तेल। अगर आप चाहें तो इसको आप एयर फ्रायर में बना सकते हैं, ओवन में बना सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, तंदूर में बना सकते हैं, फील फ्री। मैं ऐसा वे बता रही हूँ फ़िलहाल जो एवरेज सबके लिए कम्फर्ट जोन भी है और अवेलेबल भी है। आप फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। जैसे ये एक साइड हड्डी, एक साइड ये ना, तो मीट साइड डाउन डालेंगे। जितना स्पेस हो कोशिश करें थोड़ा दूर दूर रखें, एकदम क्राउडेड करेंगे भी तो भी स्पेस के साथ करेंगे, लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे। तो बस अब इसे छेड़ेंगे नहीं, इसी तरह 6-7 मिनट रहने देंगे। फ्लेम हमारी मीडियम और मीडियम हाई के दरमियान है। थोड़ा थोड़ा इस तरह से घुमाते रहेंगे। हमें एक चार्ड मार्क चाहिए नीचे, और बहुत स्लो इसलिए नहीं रखा है कि पानी निकलना शुरू होगा तो कुक नहीं करना है, हमें इसे रोस्ट करना है। लेकिन जहां आपको लगे इस तरह से आप घुमाते रहें। अब हम फ्लेम कर देंगे मीडियम लो, क्योंकि देखें आप थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो सिजल होना शुरू हुआ है, इसका मतलब मॉइस्चर तो हमारा नहीं निकलेगा। पलटना शुरू करते हैं। अब इस पॉइंट पर हम चूल्हे को करेंगे मीडियम लो और इसे कवर करके कुक करेंगे 8-10 मिनट्स। हमारी चिकन को कुक होते हुए ऑलमोस्ट 6 मिनट्स हो गए, तो यहाँ हम एक चारकोल रख देते हैं। देखिए 8 मिनट के आसपास हो गए, खोल के देखते हैं क्या हाल है वाले। ये देखिए कितना अच्छा मॉइस्चर जो है वो अभी भी इसमें है, तो ये कुक हो रही है। तो अब बस थोड़ा सा उलट पुलट देंगे, मीट साइड अगेन डाउन। सारे पीसेस को हमने उलट दिया है। अब अगेन इसको कवर करके और कुक करेंगे। चूल्हा हम बिल्कुल स्लो कर देते हैं
और कुक करेंगे अराउंड 7 से 8 मिनट मोर। अनदर 8 मिनट्स हो गई है, खोल के देखते हैं। और आप फ्लेम को हाई करते हैं, पीस को उलटते पलटते हैं, और ये जो मॉइस्चर है इसको एवेपोरेट करते हैं। तो ये जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखी है ना, उसको बेसिकली हम लोग जो है वो ग्रिल करेंगे, लेकिन ये मुझे आपको दिखाना था तो इस वजह से मैं चूल्हे पर कर रही हूँ। अगर आपके पास जैसे ग्रिल ना हो या ना करना चाहे तो आप ओवन में भी इसे बना सकते हैं, पूरी ट्रे भर के रख लें। और मैंने ओवन की रेसिपी जो है वो बनाई है, तो मैं उसका लिंक याद देती हूँ, आप उसको फॉलो कर लें। क्योंकि जब क्वांटिटी होती है, जब इस तरह से पतीले में नहीं हो सकता ना इस तरह 40-50। चले अब हम रखेंगे अपना यहाँ फॉइल और चारकोल रखेंगे, एक आध बूंद ऑयल की डालेंगे, इसको कवर कर देंगे और चूल्हे को भी बंद कर देंगे। 2 मिनट के आसपास हो गए हैं, खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है, आपको खुशबू देते हुए डिश आउट करते हैं। ये निकाल देते हैं। ये देखिए ख़तरनाक खुशबुओं वाले टिक्के रेडी हैं। तो देखा कैसे झटपट हमने ख़तरनाक से ढेर सारे तिक्के मैरिनेट भी किए और एक वे ऑफ कुकिंग शो भी किया। और अब हम जब बारबेक्यू करेंगे तो आप वो भी देखेंगे। तो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। वैसे मैंने इतना इफ्तार किया है कि मेरे पेट में जगह नहीं है, लेकिन टेस्ट करूँगी ताकि आपको पता चले कि ये कैसा लग रहा है। तो देखिए कितनी टेंडर है। मखमली टिक्का है ये, तो इसका नाम तो मखमली टिक्का रखना चाहिए था। माइंड ब्लोइंग, आपने देखा कितनी टेंडर है और क्या मसाला चढ़ाया, जबकि हमने 2-2.5 घंटे के आसपास रखा है। माइंड ब्लोइंग, सुपर ख़तरनाक टेस्ट एंड टेक्सचर। आप लोग जब बनाएंगे तो पागल शागल हो जाएंगे, मैं बता रही हूँ। चिकन भी आप लोगों को आगे किस करेगी कि अरे कितना अच्छा आप लोगों ने बनाया। तो बनाना बनता है, तो चलें जल्दी दी जाए, बनाए खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।